हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, वीकली टेस्ट के बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं एज प्रॉब्लम्स का थर्ड वीडियो लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जस्ट ये बताया था कि आप रिलेशन कैसे बनाएंगे जब भी आपको एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और सेकंड लेक्चर में उसी ही के रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवाए थे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसका आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, या इस टाइप का आ जाए तो आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था अगर फ्यूचर की एज की बात हो रही हो तो आप ऐड करेंगे, अगर पास्ट की बात हो रही हो तो आप सबट्रैक्ट करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो उसका आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वैसे ये सेम ही पैटर्न होगा जो मैंने आपको बताया है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। एज प्रॉब्लम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की एंट्री टेस्ट का। ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चन लाजमी आते हैं एंट्री टेस्ट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। जो टिप्स मैंने आपको दी है या दो जो टिप्स मैं आपको दूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो उनको आप अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, डिस्कस कर लेते हैं एज प्रॉब्लम्स के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन है आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर वन है, अकरम इज नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब भी आपको लेंथी क्वेश्चन आ जाए एज प्रॉब्लम्स का, तो आप सिंपल क्या करेंगे, जो इसकी मेन पॉइंट्स हैं उन पे आप फोकस करें ज्यादा से। अब ये क्या है, थ्री टाइम्स इस पे आप फोकस करेंगे। सेकंड है आपका फाइव इयर्स अगो, देन आप इस पे फोकस करेंगे। उसके बाद है फाइव टाइम्स एज अली, तो फाइव टाइम्स पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। देन आपको एज किसकी फाइंड करनी है उस पर फोकस करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं एज प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अब देखें, अब ये कह रहा है अक्रम इज नाउ थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज अली। अब सपोज करें अगर हमने अलीज एज को क्या माना, हमने अलीज एज को माना एक्स, तो अक्रम की एज क्या हो जाएगी, अक्रम की एज क्या हो जाएगी, थ्री टाइम्स है, तो अक्रम्स एज क्या बनेगी, वो बनेगी थ्री एक्स, क्योंकि थ्री टाइम्स है। यही पॉइंट्स मैंने आपको बताई थी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अक्रम इज नाउ थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज अली, फाइव ईयर्स अगो मतलब पांच साल पहले। तो जब भी पांच यानी पास्ट की बात हो रही हो तो मैंने आपको बताया था, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इस 3x को इसमें भी माइनस फाइव कर दें और x में भी माइनस फाइव कर दें। ठीक है, एज ही वाज फाइव टाइम्स एज अली, तो मतलब अकरम जो था अली का फाइव टाइम्स था। ठीक है, तो मतलब जब अली फाइव टाइम्स होगा तब भी उसकी एज अकरम की एज के बराबर होगी। इसे हम ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं ही वाज फाइव टाइम्स एज अली। इसका मतलब यह है कि अकरम फाइव टाइम्स था अली की एज के, मतलब अली की एज जब फाइव टाइम्स होगी तो बिल्कुल अकरम की एज के बराबर हो जाएगी। तो x माइनस फाइव किसकी एज थी, अली की एज थी। 3x माइनस फाइव किसकी एज थी, अकरम की एज थी। तो आप फाइव किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको सेकंड लेक्चर में नहीं सिखाया था। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप देखेंगे ना कि अकरम इज फाइव टाइम्स इज अली, अकरम जो है अली की एज का फाइव टाइम्स है, तो अकरम जो है अली की एज का कितना है, फाइव टाइम्स है। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देन आप लास्ट में देखेंगे किसकी एज पूछ रहा है, अक्रम की एज पूछ रहा है। तो इसका आप सॉल्यूशन फाइंड करें, तो ये होगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को x के साथ ये होगा 5x, 5 को 5 के साथ ये होगा 25। ठीक है, अब देखें, अब हमें मैंने आपको बताया था कि जब भी छोटे वेरिएबल्स होंगे उनको आप बड़े वेरिएबल के साथ लेकर जाएं, तो ये होगा माइनस 5 को एज इट रहने दें, ये होगा 5x माइनस 3x माइनस 25। इस 3x को मैंने इस साइड शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव हो गया। यहां तक बात क्लियर है, आगे चले। अब देखें, इस माइनस 25 को जब आप इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये होगा माइनस 5 प्लस 25 इज इक्वल टू 5x माइनस 3x। तो 5x में अगर 3x सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा, 2x। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, आगे देखें, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं 2x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 25, तो रिजल्ट क्या होगी, माइनस 5 और प्लस 25, तो रिजल्ट होगी आपकी 20, पॉजिटिव 20 हो जाएगा, यानी माइनस 5 इससे सबट्रैक्ट हो जाए। ओके, अब देखें, अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x के लिए आप क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाय 2 करें, तो यहां से आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी, 10 इयर्स। अब देखें, अब हमें x किसकी एज को माना था, x हमने माना था अली की एज को, और आपसे पूछ रहा है कि अकरम की एज कितनी है, तो अकरम की एज को हमने क्या माना था, 3x यानी 3 टाइम्स माना था। तो आप सिंपल क्या करेंगे,
थ्री एक्स का मतलब ये है कि 3 × 10 करेंगे तो मतलब क्या होगा 30। ठीक है, तो अक्रम की एज क्या हो जाएगी 30 ईयर्स हो जाएगी, किसके अली की एज से, और अली की एज क्या होगी 10 ईयर्स होगी। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, तो इनके आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लें, और जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जितने भी क्वेश्चन हैं बुकलेट के, आप उस क्वेश्चन को कंप्लीटली इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे जब ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि बुकलेट्स में मैंने जितने भी कैटेगरी के क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं बुकलेट का भी, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू है हिना इज 10 ईयर्स ओल्डर, हिना इज 10 ईयर्स ओल्डर देन हर सिस्टर, अपनी बहन से 10 साल बड़ी है देन हर सिस्टर। ओके, आगे चलें। हाउ एवर फाइव ईयर्स अगो हिना वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर How old is Hina now? ठीक है, अब देखें इस क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखें, मैंने आपको क्या बताया था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप हाईलाइट कर दें। हिना इज 10 ईयर्स ओल्डर, 10 साल बड़ी है किससे, अपनी बहन से, 5 साल पहले वो अपनी बहन की एज के ट्वाइस थी। तो आप देखें, अब सपोज करें उसकी बहन की एज को हमने क्या माना, हर सिस्टर्स एज। ठीक है, उसको हमने माना एक्स। ठीक है, तो ये खुद कह रहा है कि हिना अपनी बहन से 10 साल बड़ी है, तो 10 साल बड़ी होगी तो आप बता सकते हैं कि हिना की एज क्या होगी, हिना एज विल बी एक्स प्लस 10, क्योंकि वो अपनी बहन से 10 साल बड़ी है। अगर उसकी बहन की एज एक्स ईयर्स है तो उसकी एज क्या होगी, एक्स प्लस 10 ईयर्स, 10 साल बड़ी है। ओके, अब देखें ये कह रहा है कि 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। ठीक है, 5 साल पहले, तो आप सिंपल क्या करेंगे, एक्स प्लस 10, इसमें भी आप माइनस 5 कर दें, और x माइनस 5 में भी, यानी x उसकी बहन की एज में भी आप माइनस 5 कर दें, क्योंकि खुद कह रहा है कि 5 ईयर्स अगो। अब आगे देखें, हिना वाज ट्वाइस, हिना की एज जो थी उसकी बहन की एज के ट्वाइस थी, तो मतलब अब 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, हिना की एज के साथ या उसकी बहन की एज के साथ। अब देखें, हिना अपनी बहन की एज के ट्वाइस थी, तो मतलब उसकी बहन जब ट्वाइस होगी, उसकी बहन की एज जब ट्वाइस होगी तब जाके उस अपनी यानी हिना की एज के बराबर होगी, तो मतलब आप क्या करेंगे, उसकी बहन की एज के साथ 2 मल्टीप्लाई करवा देंगे, हिना की एज के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी बहन जब ट्वाइस होगी तब भी उसकी एज जो है अपनी यानी हिना के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन आपने बना ली, अब इसका सिंपल क्या करें, सॉल्यूशन फाइंड करें। तो देखें, ये होगा एक्स प्लस 10 माइनस 5, रिजल्ट क्या होगी, प्लस 5 इज इक्वल टू 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें 2 को एक्स के साथ, 2x इंटू 10 हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 होगा। ठीक है, अब देखें x को उस साइड लेकर जाएं, तो ये होगा 5 इज इक्वल टू 2x माइनस x माइनस 10। ओके, इस x को मैंने इस साइड जब शिफ्ट किया तो नेगेटिव का हो जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, यहां तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, आगे देखें, ये माइनस 10 है, इस माइनस 10 को आप इस साइड शिफ्ट करें तो ये होगा 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस x, अगर 2x में से x जाएगा तो ये होगा x। तो यहां से आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो होगी वो होगी x इज इक्वल टू 15 ईयर्स, x की यानी वैल्यू क्या होगी 15 ईयर्स। अब हमने x किसकी एज को माना था, x हमने माना था उसकी बहन की एज को, तो हिना की एज हमें फाइंड करनी है, ये खुद कह रहा है कि हिना कितनी ओल्डर है, तो आप क्या करेंगे, हिना की एज हमने क्या मानी थी x प्लस 10, तो x अगर 15 है तो यहाँ पे आप 15 रखें, 15 प्लस 10 तो रिजल्ट क्या होगी 25 ईयर्स। ठीक है, तो हिना की एज जो होगी वो होगी 25 ईयर्स, और उसकी बहन की एज जो होगी वो होगी 15 ईयर्स। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने काफी क्वेश्चंस बुकलेट में भी दिए थे। ठीक है, तो उनकी भी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपकी अगर हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, इसे आप नोट कर लें अच्छे तरीके से, अपने बुकलेट पे लिख दीजिएगा सारे क्वेश्चंस, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फादर इज 3 times एज ओल्ड, फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, एज हिज सन आफ्टर 15 years, आफ्टर 15 years, ठीक है, 15 साल बाद फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज His son's age,
ठीक है, अपने बेटे की एज के ट्वाइस हो जाएगा 15 ईयर्स के बाद। एट दैट टाइम फादर्स प्रेजेंट एज, एट दैट टाइम फाइंड द फादर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो उसके फादर की एज हमें बतानी है। ठीक है, तो अब देखें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले आपको हाईलाइट कर दें, फादर इज थ्री टाइम्स था अपने बेटे की एज से। ओके, आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद क्या होगा, फादर अपने बेटे की एज के ट्वाइस हो जाएगा। तो अब बताओ फादर की एज क्या है, प्रेजेंट एज। तो अब देखें, अगर हमने उसके बेटे की एज को, ठीक है, अगर उसके सन्स एज यानी उसके बेटे की एज को हमने एक्स माना, तो फादर से एज क्या हो जाएगी, फादर से एज एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी, क्योंकि खुद कह रहा है कि 3 times है। अगर 3 times होगी तो आप 3 के साथ क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखें आफ्टर 15 ईयर्स, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, 15 साल बाद क्या होगा। तो जब भी फ्यूचर की बात होगी, आप सिंपल क्या करेंगे, आप करेंगे कि इसको आप क्या किसके साथ यानी ऐड कर देंगे, दोनों की एजेस में 15 ऐड कर देंगे। तो ये होगा एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 3x प्लस 15, दोनों की एज के साथ आपने सिंपल क्या कर दिया, 15 को ऐड कर दिया, क्योंकि खुद कह रहा है कि 15 ईयर्स बाद। तो फादर जो है बेटे की एज के ट्वाइस हो जाएगा। अब ये किसकी एज थी, फादर की एज, ये किसकी एज है, सन्स एज। तो आप 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, सन्स एज के साथ या फादर की एज के साथ, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि फादर जो है वो अपने बेटे की एज के ट्वाइस हो जाएगा, मतलब उसका बेटा जब उसकी एज जो होगी ट्वाइस होगी तब भी जाके उसकी फादर की एज के बराबर होगी। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 2 उसके बेटे की एज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फादर की एज के साथ नहीं करेंगे, किसकी एज के साथ करेंगे, उसके बेटे की एज के साथ करवाएंगे, क्योंकि जब उसका बेटा ट्वाइस होगा तब जाके अपने फादर की एज के बराबर होगा। ठीक है, अब इसका सिंपल सॉल्यूशन फाइंड करें, 2 को x के साथ करेंगे तो ये 2x, 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 30 इज इक्वल टू 3x प्लस 15 को एज इट रहने दें। ओके, इस 2x को उस साइड शिफ्ट करें तो ये होगा 30 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x एंड प्लस 15 को एज इट रहने दें। ठीक है, 2x पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, इस 15 को इस साइड शिफ्ट करें तो ये होगा 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x, तो आंसर होगा x बचेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी 13 माइनस 15, तो आंसर होगा 15। ठीक है, अब देखें, अब हमने x किसकी एज को माना था, x हमने माना था उसके बेटे की एज को, और ये पूछ रहा है फादर्स एज क्या होगी, तो फादर्स एज जो है वो क्या होगी, 3x होगी। तो आप 3x, तो यहाँ पे x की जगह 15 रखेंगे तो यहाँ पे आंसर जो आंसर आएगा आपका वो होगा 45 ईयर्स, यानी उसके फादर की एज क्या हो जाएगी, 45 ईयर्स, और बेटे की एज क्या होगी, बेटे की एज होगी 15 ईयर्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चन के आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, थ्राइस या ट्वाइस होगा तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, आप सिंपल क्या करेंगे, मेरे वर्ड्स पे फोकस करेंगे और आप इनके हैंड राइटिंग नोट्स अपने पास लाजमी बनाइएगा, लाजमी बनाइए। ठीक है, मैं लास्ट में आपके वो नोट्स चेक भी करूंगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, आप इसका आंसर खुद निकालेंगे और इसका आंसर मुझे आप बताएंगे। ठीक है, एज ए होमवर्क आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और बाकी जो एक वीडियो लेक्चर है वो भी मैं सेंड करूंगा एज प्रॉब्लम का। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं आपकी कंफ्यूजन होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका, ये आपका है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर है 4 आपका होमवर्क। ठीक है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन। ठीक है, फादर एंड सन की एजेस का सम जो है वो है 82 ईयर्स। ओके, 82 ईयर्स आफ्टर फोर ईयर्स। ठीक है, 4 साल बाद फादर विल बी ट्वाइस। ठीक है, फादर जो है ये ट्वाइस हो जाएगा डेट ऑफ सन्स एज। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है द एज ऑफ फादर इज। अब हमें फादर की एज बतानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें आपके पास जो ऑप्शंस है, मैं ऑप्शंस दे देता हूं आपको। ठीक है, आपके पास जो ऑप्शंस है वो है 52 ईयर्स, बी ऑप्शन है 55 ईयर्स, सी ऑप्शन है 56 ईयर्स एंड डी ऑप्शन है 57 ईयर्स। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 56 ईयर्स, फादर की एज जो होगी वो होगी 56 ईयर्स और सन की एज जो होगी वो होगी 26 ईयर्स। ठीक है, तो इसका आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करके दूंगा, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, आप इसकी पिक्चर स्क्रीनशॉट आप मुझे लाजमी सेंड करिएगा। ठीक है बेटा, तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट वीकली टेस्ट की प्रिपरेशन करें, उसके साथ साथ इसमें जो टॉपिक्स होंगे इस वीकली टेस्ट में आपके सारे इंक्लूड होंगे, परसेंटेज, लॉस प्रॉफिट परसेंट, जितने भी कैटेगरीज के क्वेश्चन है उसके साथ साथ आपके एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे। ओके बेटा, तो बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।